कनाडा की पहलवान कुमनेश ने चिटपट के आधार पर जीता था और ये दूसरा मुकाबला है। उनके बाद एक और खिलाड़ी रह जाएगी श्रीलंका की और इन तीनों पहलवानों को अगर हरा लेती है विनेश तो गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। राउंड रॉबिन का ये मुकाबला है, हर पहलवान को हर पहलवान के साथ मिलना। बिल्कुल नॉर्डिक सिस्टम के बेसिस पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। फोगट जिस वेट कैटेगरी में है, शुरुआती लम्हा 6 मिनट कुल मिलाकर इस मुकाबले में रहना होगा। पैरों में जाने की कोशिश लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी पोजीशन को पलटा, 2 पॉइंट्स लेकर के आगे ऊपर टेक डाउन के और अब यहां पर कटरेज लगाने का प्रयास कर रही है। बढ़िया भारतवर्ष पूरी तरह से हाथों को टाइट किया, क्या धुआं पाएगी, पूरी ताकत लगा रही है विनेश लेकिन बढ़िया डिफेंस यहाँ पर अगर खुरोए का। बिल्कुल बहुत अच्छा डिफेंस किया है लेकिन सबसे अच्छी बात विनेश की ये है, जो पहला मुकाबला कनाडा की रैंकर से जीता है उसमें क्लासिफिकेशन पॉइंट उनको मिल गए हैं 5, क्योंकि चिट करने के 5 क्लासिफिकेशन पॉइंट मिलते हैं। और ये जो राउंड रॉबिन के जो मुकाबले हैं, हर सब पहलवान को आपस में एक दूसरे से भिड़ना है, इसमें क्लासिफिकेशन के पॉइंट के आधार पर ही एक टीम निर्धारित होगी। तो निश्चित रूप से विनेश चाहेगी कि ये मुकाबला भी चटपट के आधार पर या तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते, ज्यादा से ज्यादा अंदर जीत करके विपक्षी पहलवान को हराए। बिल्कुल लगातार दबाव में दिखाई दे रही है, अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश लेकिन कुरोए का जो डिफेंस है वो भी अच्छा, एक पैर उनका विनेश ये बिल्कुल जबरदस्त पकड़ बनाने की कोशिश करता हुआ और इस दिशा में अगर वो ज्यादा देर रहेगी, बिल्कुल कहा गया वापस कि आप इस मुकाबले को फिर एकदम मैच के बीचों बीच आकर के शुरू कीजिए। 4-0 से विनेश फोगाट आगे है, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे पहले वो गोल्ड जीत चुकी हैं 2014, 2018 क्या 2022 भी उनके लिए गोल्ड लेकर के आएगा। डिफेंस देखिए विनेश का कितना स्ट्रेच कर रही है पीछे, यहाँ पर उन्होंने खेमे बांधे हुए हैं, बहुत तगड़े खेमे बांधे हैं और पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेच करके उनकी पहुंच से अपने आप को अलग कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन विनेश फोगाट का, बिल्कुल संजय अंकुश लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है, कुश्ती को रोक दिया है, जैसा विनेश चाह रही है वैसा ही नाइजीरिया की पहलवान खेल रही, यानी कि अगर विनेश के अनुसार नाइजीरिया की पहलवान खेलती रही तो विनेश निश्चित रूप से और भी अंक बटोरने में यहाँ कामयाब रहेगी और ज्यादा अंक बटोर कर अगर विनेश हराती है तो इसी कुश्ती में उनका स्वर्ण पदक पक्का हो जाएगा। बिल्कुल क्लासिफिकेशन जो पॉइंट्स है वो बेहद अहम होंगे नॉर्डिक सिस्टम के मुकाबलों में और ये अचानक पीछे गई पैरों की तलाश में, यहाँ पर अदे कुरोए जो कि नाइजीरिया की पहलवान है लेकिन एक बार फिर रेफरी का इशारा कि आप लगातार एक सिचुएशन में बने नहीं रह सकते, हरकत होनी चाहिए, मुकाबला आगे बढ़ना चाहिए, वापस ब्रेक के बीचों बीच और कुल मिलाकर 4-0 से फोगाट आगे हैं और पहला दौर अब बिल्कुल समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। पूजा की आवाज एक प्रारंभ के साथ 4-0, देखना ये होगा कि दूसरा दौर जो 3 मिनट का होगा क्या वो पूरा चलेगा या विनेश फोगाट पहले ही अपनी सफलता के लिए कोई बड़ा दांव लगाएंगे। देखिए किस तरह ताकत को डायवर्ट किया है, नाइजीरियन रेसलर पैरों में अटैक कर रही थी, ताकत लगा रही थी और वहीं से अचानक कितना सुंदर ये दृश्य देखने को मिला है, छापते ही पीठ की तरफ घुमा दिया, 2 अंक जीत किए हैं, हालांकि 2 अंक पहले थे, 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया है। ये 3 मिनट निर्धारित करेगा कि विनेश आखिर नाइजीरियन रेसलर्स को कहां पहुंचाती है। दूसरे दौर की शुरुआत कतन के पास हाथ लगा करके थोड़ा सा छटका मारने की कोशिश ताकि पकड़ बन सके और वही कोशिश एक बार फिर अदे कुरोए ने की, पैरों पर चली गई, बढ़िया पकड़ बनाई है अदे कुरोए ने लेकिन क्या वो विनेश को पलट पाएगी, विनेश यहाँ डिफेंस करके हुए और ये रिवर्सल विनेश ऊपर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 पॉइंट और विनेश को मिले, 6-0 की अब उनकी लीड हो गई है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को चित करके जीतने, दोनों कंधे अगर मैट पर लग गए तो ये मुकाबला उसी लगने में समाप्त हो जाएगा और क्लासिफिकेशन पॉइंट एक बार फिर पूरे मिल जाएंगे विनेश फोगाट को। और संजय मैं तो समझता हूँ इस मुकाबले को समाप्त करते ही विनेश का गोल्ड मेडल भी पक्का हो जाएगा, एक औपचारिकता रहेगी, श्रीलंका के पहलवान के साथ खेलेगी
निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर पूरा दमखम लगाती हुई अपनी जान को बचाने के फिराक में है नाइजीरियन रेसलर, लेकिन विनेश ने बिल्कुल जैसे शेर हिरन को पकड़ लेता है अपने मुंह के जबड़े से और हिलने नहीं देता है। वही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, तेज सांसें चल रही है यहाँ पर अदे गुरे की, लेकिन वो भी पूरी तरह से दम को बांधे हुए हैं और विनेश की पूरी कोशिश है कि उनके शोल्डर्स को टिकाते, अगर एक झटका लग गया एक पल के लिए अदे गुरे अगर हार मान गई तो तुरंत दोनों कंधे मैट पर लग जाएंगे, 6-0 से आगे हैं, चित्त का केस मुकाबले को जीत जाएगी। और संजय देखिए विनेश को जल्दबाजी नहीं कर रही, विनेश को पता है की इस डेंजर पोजिशन में इस फीट की पोजीशन में जहां पर फीट की तरफ डेंजर है, इस पोजीशन में चाहे पूरा समय भी समाप्त हो जाए रेफरी मैच चेयरमैन नियमों के अनुसार तक छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल विनेश फोगाट इंतजार कर रही है उनकी तुरंत धीरे बढ़ने का, कोई खास प्रयास नहीं, अब देखना ये होगा कि क्या अदे गुरे आखिरी लम्हों तक अपनी इस पकड़ को मजबूत बना रख सकेगी। लगातार का दबाव बढ़ा रही है विनेश, लेकिन इस दांव में कम से कम 1.25 मिनट निकाल दिए इन दोनों ने। बिल्कुल वो भी चित नहीं करना चाहती है और वो भी चित होना नहीं चाहती है, ऐसा सीन लग रहा है कि फोटो खिंचवा रहे हैं और निश्चित रूप से प्रवासी का फोटो हो गई होगी क्लिक। बिल्कुल इससे बढ़िया नजारा कहां मिलता है, आपने शेर और हिरण की जो बात कही तकरीबन वो नजारा देखने में लगातार उनके चेहरे पर एक बेबसी निराशा हताशा सब कुछ दिख रहा है और विनेश उनके चेहरे को देख रही है, उनकी आंखों को देख रही है कि तुम कब हार मानोगी, 15 सेकंड का वक्त और ये जाते जाते प्रयास विनेश फोगाट के, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चित्त करने की कोशिश की है लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 5 सेकंड से कम का वक्त बाकी है। विनेश फोगाट ने इस मुकाबले को तो जीत लिया है और जीतते जीतते दबाही कर दिया फ्रीडम हो गए। बिल्कुल यहाँ पर यह मुकाबला बहुत ही आसानी से निस्तोनाभूत कर दिया है नाइजीरियन रेसलर्स को, जिस तरह से मिट्टी में आपने देखा होगा विनेश ने किस तरह मिट्टी पर हाथ मारा